अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है चपशुरो। चपशुरो गिलगित बल्किस्तान हुंजा की लोकल ट्रेडिशनल डिश है। तो आइए हम इसकी रेसिपी की तरफ चलते हैं। आधा किलो हमने यहाँ पर गेहूं का आटा लिया है। इसके अंदर हम 1 टेबलस्पून नमक डाल लेंगे और पानी डालकर हम इसका सिंपल सा आटा गूंद लेंगे, जिस तरीके से हम रोटियों का गूंदते हैं। 1 टेबलस्पून जितना ऑयल हम डालकर इसको आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। 300 ग्राम हमने मटन का कीमा लिया है। 2 बड़ी प्याज है, इसको बारीक चॉप कर लिया है। 1 बड़ा टमाटर है, इसका छिलका और बीज निकाल कर इसको भी बारीक बारीक कट कर लिया है। और यहाँ पर कुछ मसाले हैं जो मैंने 1/2 टीस्पून यहाँ पर रेड चिली फ्लेक्स लिया है, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर है, 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर है और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालना। 1 टेबल स्पून इसमें अदरक का पेस्ट है और 1 टेबल स्पून इसमें लहसुन का पेस्ट है। ये मैंने 1 टेबल स्पून यहाँ पर मैंने कुटी हुई काली मिर्च ली है और 1/2 टीस्पून मैंने ये गरम मसाले का लिया है। 1/2 लेमन है, थोड़ा सा हरा धनिया है, पुदीना है और हरी मिर्च है। और ये कुछ ज़ाफ़रान के धागे हैं जिसको मैंने गर्म पानी में भिगा दिया था। एक पैन को हमने गरम कर लिया है। यहाँ पर मैं 3 टेबलस्पून जितना ऑयल डाल रही हूँ। तेल गरम होते ही हम इसके अंदर कीमा डाल देंगे। कीमे के साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल देंगे और इन दोनों को हम अच्छे तरीके से तेल में भूनेंगे ताकि इसका थोड़ा सा कीमे का कलर चेंज हो जाए और अदरक लहसुन की स्मेल ख़त्म हो जाए। और ये कीमे का कलर चेंज हो गया है तो अब हम इसके अंदर अपने सूखे मसाले भी डाल देंगे और इन सब चीज़ों को भी मिलाकर हम 2 से 3 मिनट के लिए ढक्कन ढाक कर कीमे को गलने के लिए छोड़ देंगे। कीमा हमारा गल चुका है और ये सैफ्रन के धागे जो हमने भिगो के रखे थे ये इसके अंदर डाल देंगे। प्याज भी हम इसके साथ ही डाल देंगे। इन सब चीज़ों को मिक्स कर देंगे और काली मिर्च पाउडर और गरम मसाला था ये भी हम इसके अंदर डाल देंगे। टमाटर, हरा धनिया, हरी मिर्च, पुदीना, लेमन, इन सब चीज़ों को भी हम इसके अंदर डाल कर अब जो इसके अंदर पानी जो थोड़ा बहुत रह गया है इसको हम अच्छे तरीके से भूनेंगे ताकि ये सारी चीज़ें जो है आपस में मिल जाए और इसका पानी जो है वो खुश्क हो जाए। तो बस हम इसको अब भूनेंगे और ये इसका पानी जो है वो सूख रहा है तो अब हम अपनी गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देते हैं और इसको ठंडा होने देंगे। आटा हमारा सेट हो गया है तो हम सारे मीडियम साइज़ के पेड़े बना लेंगे और पेड़े भी हमारे सारे तैयार हो गए हैं तो अब हम अपनी रोटियां बेलेंगे। रोटियां हमें एक एक करके सारी एक साथ बेल लेनी है। तो ये हमारा कीमा भी ठंडा हो चुका है तो हमें 2 से 3 टेबलस्पून कीमा इसके ऊपर डालना है और कीमा हमें फैला फैला कर डालना है। इस तरीके से हम अपनी रोटी पे सारा कीमा फैला देंगे और दूसरी रोटी इसके ऊपर रख देंगे और इसको इस तरीके से हम बंद कर लेंगे। बहुत अच्छे तरीके से हमें उंगलियों की मदद से इस तरीके से बंद करना है जैसे हम पूरी बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से। एक फोक से हम इसके ऊपर सुराख कर लेंगे ताकि जब हम इसको सेकें तो ये फूले नहीं। तवा हमारा गरम हो चुका है तो अब हम इसको स्लो फ्लेम पर सेक लेंगे। एक तरफ से ये पक चुकी है तो अब हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे और 1 टेबलस्पून जितना हम इसके ऊपर ऑयल डालकर दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। तो ये हमारा चपशुरो तैयार हो चुका है तो मैं आपको इसकी सर्विंग दिखाती हूँ। तो ये हमने ले लिया है और इसको छुरी की मदद से हमें इस तरीके से गोल गोल काट लेना है और इसको जो है वो रोटी जैसा खोल लेना है बीच से। तो इस तरीके से भी हम इसको सर्व कर सकते हैं और इस तरीके से भी हम इसको सर्व कर सकते हैं पिज़्ज़ा जैसा काट कर। तो दोनों तरफ से मैंने आपको इसकी सर्विंग दिखा दी है। तो दुआओं में मुझे याद रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।